नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं कूलपैड के कूल 3 प्लस स्मार्टफोन के बारे में। मैं आपको दिखाने वाला हूं इसकी एक जबरदस्ती अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल बॉक्स कूलपैड कूल 3 प्लस का, ये जियो के ऑफर के साथ आता है कैशबैक वाले। बैक पे आप इसकी सार वैल्यू वगैरह देख सकते हैं और बाकी अन्य चीज़ें देख सकते हैं। फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है अंदर फ़ोन। इसके अलावा इसके लिए मिलता है टीपीयू कवर, क्विक स्टार्ट गाइड, ये लोग एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देते हैं अंदर ही, और आपको मिलता है वारंटी कार्ड इसके लिए। इसके अलावा इसके अंदर मिलता है यूएसबी केबल, माइक्रो यूएसबी केबल है, और चार्जिंग मॉड्यूल मिलता है सिम ट्रे पिन के साथ। और जैसे कि एक बहुत ही प्यारे दाढ़ी वाले भैया कहते हैं कि चलिए शुरू करते हैं, वैसे ही हम भी यहाँ पे बिल्ड और डिज़ाइन बारे में बताते हैं। तो बैग इसकी पॉलीकार्बोनेट टाइप की है, बहुत ही शाइनी सी है, और ये जो बैग है बहुत तेजी से स्क्रैच भी हो जाती है। तो अगर आप एक ही हफ्ते इसको अपने पॉकेट में रखेंगे तो बहुत तेजी से स्क्रैच हो जाएगा बाहर निकालते निकालते। एक ही मेरे को इसकी दिक्कत लगी कि ये हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट के साथ आता है, अन्यथा बिल्ड और डिजाइन और बाकी ऑप्शन काफी हद तक बढ़िया है। इसके अंदर ड्यू ड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले है, और वो काफी सही सी HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD प्लस नहीं है, पर इस बजट के हिसाब से काफी सही है। ये मीडियाटेक के क्वाड कोर चिपसेट के साथ आता है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 3GB 32GB वाला वेरिएंट हमने टेस्ट किया था। अगर मैं बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये एक औसत स्मार्टफोन है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो ना ही करें, बट सच्ची बात तो ये है कि इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन्स मिलते भी नहीं हैं। और इसके अंदर की जो रीड राइट स्पीड है स्टोरेज की, वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। तो एटलीस्ट उन्होंने वहाँ पे एकदम ही बेकार EMMC स्टोरेज तो नहीं दी। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस पे आप पबजी जैसी गेम्स को खेल सकते हैं लो सेटिंग्स पे, और इस पे ज़्यादा फ्रेम रेट के ऑप्शन नहीं आ रहे थे पबजी में। बट हंसी की बात यह है कि इस पे जब मैं पबजी खेल रहा था तो ये एक सामने से भैया आ रहे थे, इन पे मुष्टिका प्रहार से इनको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद इनकी जो पूरी सप्लाईज ली उसके अंदर भी गोली वोली मौजूद ही नहीं थी। तो सामने से एक और भैया मार रहे थे, उनको ढूंढ के वापस मारा, तो एक बहुत ही हंसी वाला सीन हो गया था। और ये सीन देख के तो कियानु भैया भी बोलेंगे कि यू आर ब्रेड टेकिंग ब्रो। और फाइनली ये काफ़ी देर तक चला ये जो गेम प्ले था, और लास्ट में विनर विनर चिकन डिनर भी मिल गया। बट ये है कि ज़्यादा गेमिंग करने के लिए मैं स्मार्टफोन को थोड़ा रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। आइए कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं। बैक पे सिंगल एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, और फ्रंट कैमरा भी काफी हद तक ठीक क्वालिटी का है। कैमरा UI के ऑप्शंस की बात की जाए तो काफी हद तक, मतलब काफी सारे ऑप्शंस देते हैं वो लोग, ब्यूटी मोड वगैरह, बोके मोड भी देते हैं। कैमरा में एक्सपोजर में कहीं के भी मुझे दिक्कत लगी कि वो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा था, बट कलर्स वगैरह काफी हद तक ऑन पॉइंट थे। जहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा HDR वाला हाई डायनेमिक रेंज वाला सीन था, या बहुत ज़्यादा बैक लाइट स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल नहीं कैप्चर कर पा रहा था कैमरा। बट बिकॉज ये बजट कैमरा है तो इसकी ये छोटी मोटी चीज़ों को तो माफ़ कर देना चाहिए। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फीज़ की बात करूँ तो उनमें एज डिटेक्शन में थोड़ी और फिक्सिंग की ज़रूरत है। डार्क जो अगर आप सिनेरियो में होंगे तो ये थोड़ा उतनी अच्छी फोटोज़ नहीं ले पाएगा। बिल्ड और डिज़ाइन में सिर्फ एक कमी लगी कि बैक जो है स्क्रैच हो जाती है जल्दी, अन्यथा ये तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। UI की बात करूँ तो UI में भी सिर्फ एक दिक्कत थी कि प्री बंडल्ड ऐप्स थे कुछ, पर उनको आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। बाकी UI एक कस्टम टाइप का UI है ये, और मतलब जैसे एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस तो नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने कस्टम अपना अलग ही UI कर रखा है, बट उतनी दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी हद तक स्मूथ लगा मुझे। वाइड वन L1 का सपोर्ट इसमें नहीं है, और अगर एंड्रॉइड अपडेट से आ भी जाए तो भी ज़्यादा इस्तेमाल आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि HD प्लस ही डिस्प्ले है, और इसमें Cam 2 API का फुल सपोर्ट है। बाकी ये फ़ोन काफ़ी हद तक सही है, इस पर बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन्होंने दे रखा है। स्पीकर आउटपुट भी मुझे काफ़ी हद तक लाउड लगा, और मेरे एक्सपीरियंस में मुझे उतने ज़्यादा लैग नहीं दिखाई दिए क्योंकि मैं 3GB 32GB वाला स्टोरेज वेरियंट यूज़ कर रहा था। हो सकता है 2GB वाले वर्जन में कहीं कहीं थोड़ा बहुत लैग देखने को मिले। पर्सनली मुझे फ़ोन काफ़ी हद तक सही लगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बहुत ही सस्ता फ़ोन है। 5999 पे इसका बेस वेरिएंट उपलब्ध होता है, और 6999 पे 3GB रैम वाला वेरिएंट उपलब्ध होता है। इस प्राइसिंग पे बहुत ही कम ऐसे फ़ोन्स हैं जिनसे ये कम्पीट कर रहा है, और कुछ कुछ फ़ोन्स हैं Xiaomi वगैरह के और Infinix वगैरह के, तो उनके मुकाबले एक दो चीज़ें इसमें सही है कि इसका डिस्प्ले वगैरह थोड़ा ज़्यादा सही लगा, और डिज़ाइन भी थोड़ा इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया उस पर। अन्यथा एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि जब आप इतना ज़्यादा सस्ता फ़ोन लेने जाते हैं तो कहीं कहीं पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है, उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।